की दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज की मेरी वीडियो कॉपर यूटेंसिल्स के बारे में तो नहीं, पर सोचा इसके फायदे आपके साथ शेयर कर दूं। इनमें रखा हुआ पानी बहुत सारी मेडिकल प्रॉपर्टीज को होल्ड करता है। इसमें रखा हुआ पानी न सिर्फ अच्छा एंटी एजिंग है, पर अच्छा एंटी ऑक्सीडेंट भी है। शरीर में कई सारी तकलीफें जैसे वेट लॉस, हार्मोनल इम्बैलेंस, ब्लोटिंग, इंडाइजेशन, बहुत सारी चीज़ों को ठीक कर देता है। और इससे सबसे बड़ा फ़ायदा है, ये मेलानिन को इंक्रीज करता है। जिन लोगों के शरीर में मेलानिन की कमी होती है, उनके बाल जल्दी सफ़ेद होते हैं या शरीर में वाइट स्पॉट्स आ जाते हैं। ये उन सारी चीज़ों को भी ठीक करता है, पर एक आध दिन से कुछ नहीं होगा, रेगुलरली लेना पड़ता है। अब इसकी तो काया पलट हो गई, अब मैं आपको दिखाती हूँ और कौन सी चीज़ की काया पलट करी मैंने। आइए मेरे साथ चलिए। ये है मेरे बच्चों की ट्रायल साइकिल। बहुत ओल्ड है ये और चलाने लायक भी नहीं। अगर अच्छी होती तो किसी को फॉरवर्ड कर सकते थे, पर अब नहीं। इससे सोचा कुछ यूटिलिटी बना लूं। अब इसका भी थोड़ी काया पलट कर देते हैं। अगर आपको पसंद आए तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। सबसे पहला काम था इसे क्लीन करना और इसे पेंट करना। बड़ी चीज़ों को पेंट करने के लिए एक अलग कलर्स बिल्कुल प्रेफरेबल नहीं है, उनके लिए स्प्रे कलर्स ही अच्छे होते हैं। मेरे पास गोल्डन कलर अवेलेबल था, तो मैंने इसे पूरा गोल्ड कलर से स्प्रे पेंट कर दिया। मैंने इसे प्लांट्स को होल्ड करने का ही सोचा। ये मैं अपनी छोटी सी गार्डन में लगा दूंगी। और मेरे पास जितने भी छोटे छोटे कंटेनर्स थे, उन सभी को मैंने पेंट कर लिया ताकि मैं इस पर हैंग कर सकूं। कई सारे प्लास्टिक के कंटेनर्स हमारे पास होते हैं, और मनी प्लांट ऐसा है जहाँ हर जगह पर ग्रो हो जाता है। पर मैंने अपनी DIY में कुछ टूटे मग्स को भी यूज़ किया है। और एक ख़ास प्लांटर था, वो था कोकोनट शेल प्लांटर, जो मैंने फर्स्ट टाइम बनाया है। देखें वो पेंट होने के बाद कैसा लगता है। इन सारे प्लांटर्स पर पैटर्न बनाने के लिए मैंने पोल्का डॉट्स बनाने का सोचा, पर उससे भी ज़्यादा ज़रूरी था इन सब का सूखना। दिन ढल गया था, बाकी का काम कल करेंगे। पोल्का डॉट्स बनाने के लिए मेरे पास कोई टूल नहीं था, इसलिए मैंने पेंसिल का यूज़ किया है। पेंसिल के पीछे का इरेजर एक करेक्ट स्टैम्प की तरह काम कर रहा था। रैंडम डॉट्स बने तो सही, पर सबकी साइज इक्वल करना मुश्किल होता है, इसलिए एक टूल बहुत ज़रूरी है, तो मैंने पेंसिल का यूज़ किया। एक एक करके मैं सारी कटिंग्स डालते जा रही हूँ और एक्स्ट्रा मट्टी भी। ये है मेरे छोटे कोकोनट शेल का प्लांट, इसे भी मैंने कटिंग से फिल कर दिया। अब भाई एक एक प्लांटर को साइकिल पर सेट करने की बारी। स्ट्रिंग्स और नॉट्स की मदद से मैंने साइकिल पर एक प्लांट्स को सेट किया। एंड फाइनली इट लुक्ड लाइक दिस। दिखने में बहुत छोटी क्यूट लिटिल सोने की साइकिल लग रही थी, और फिर बाद में मैंने इसे लाइट और थोड़े आर्टिफिशियल फ्लावर्स के साथ डेकोरेट किया। आपको मेरी सोने की साइकिल कैसी लगी, ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।
अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, ID इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में एक छोटी सी क्रिएशन के साथ। तब तक के लिए जय राम जी की।